हिंदी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। इस वक्त हम खड़े हैं हरिनगर विधानसभा में। तमाम जनता जनार्दन हमारे साथ है। जानेंगे कि अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार, क्योंकि पिछले 5 साल से यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। क्या अब की बार केजरीवाल जी रीबैक कर पाएंगे, या कांग्रेस यहाँ पर आएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा? सर, क्या आपको लगता है कि अब की बार दिल्ली में क्या होने जा रहा है, किसकी बनेगी सरकार? सरकार जिसकी भी बनेगी, जो क्षेत्र के, समाज के और राज्य का विकास करेगा, तो संभव है उसी की बनेगी। अब ये तो निर्धारित करता है, क्योंकि ये किसी एक आदमी का काम तो है नहीं सरकार बनाना, ये जनमत का काम है। ये जनता देखेगी कि पिछले 5 सालों में क्या किया, या उससे कोई अच्छी पार्टी आगे और अच्छे कार्य कर सकती है, तो ये तो उसी के ऊपर तय होगा। मेरे एक आदमी या दो कोई कहें तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है। जो मैंने अपनी वीडियो में स्टार्टिंग में ही कहा कि जनता जनार्दन, मेरे लिए तो आप एक वोट, एक वोट अमूल्य होता है पार्टी के लिए, इसीलिए मैं आज आप लोगों के बीच आऊँ। क्या आपका दिल क्या कहता है कि केजरीवाल जी का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? क्या केजरीवाल जी बैक कर पाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी से कोई चेहरा मुख्यमंत्री दिल्ली का बनेगा, या फिर कांग्रेस बाजी मारेगी इस बार? देखो, कांग्रेस का तो अगर हम कहें कि कोई मुख्यमंत्री बनेगा ये नहीं कह सकते। हाँ, कुछ सीटें निकल जाएं तो ये अलग बात है, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि केजरीवाल का, ये तो देखो जी, सारी जनता जानती है और वो बताएगी। देखो, केजरीवाल ने कुछ ग्राउंड लेवल पे काफ़ी काम तो किए हैं, लेकिन ये अपनी अपनी चॉइस है। किसी को कुछ पसंद होते हैं, किसी को कुछ नापसंद होते हैं। आमतौर पर देखा जाए, जनजीवन को उसने काफ़ी तरह से प्रभावित किया है। जैसे उसने कई चीज़ें फ्री करी। अब पब्लिक को क्या था कि बेसिकली इतने टाइम से जो बिजली के बिल थे, जिसे हाथ में आते ही करंट लगता था, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें ठीक है, आराम है, पानी के बिल आ नहीं रहे, तो जितना उन्होंने किया वो ठीक अच्छा किया। और संभव है कि हो सकता है आने वाली अगर और भी कोई टीम आए, अगर भाजपा आए या कांग्रेस आए, तो अपने अपने मैनिफेस्टो में तो सारे और से और अच्छा लेके आते हैं। पर बड़ी बात ये होती है कि मैनिफेस्टो के ऊपर खरे उतरना। ये तो अब शुरुआत में तो सभी ये अपना मैनिफेस्टो बना के तैयार करके ये कह देते हैं, बड़े बड़े वादे हो जाते हैं, लेकिन उन वादों के बाद उस पर खरा कौन उतरता है, सबसे बड़ी बात देखने की ये होती है। आपको क्या लगता है कौन इस बार खरा उतरेगा जनता के बीच में? केजरीवाल भी आ सकते हैं, और हमारे यहाँ से राजकुमारी ढिल्लो हैं, उनका नाम सुना था, आज हम उनसे मिले, बड़ा अच्छा लगा। मैं सीनियर सिटीजन हूँ जी, उनका कार्य भी बहुत है, आप खड़े होकर काम कराती हैं, बहुत अच्छे हैं। राजकुमारी ढिल्लो जी के लिए कहा जा रहा है कि कल तक कांग्रेस में थी, आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, ज्वाइन करते ही टिकट मिल गया। क्या केजरीवाल जी की पार्टी में टिकट बेचा जा रहा है? नहीं, इनके काम को देखकर उन्होंने इनको टिकट दी है। सिटिंग MLA 5 साल रहे हैं, उनको टिकट क्यों नहीं? क्या काम नहीं किया सिटिंग MLA ने? इस बारे में मैं नहीं जानता, मैं तो इनको जानता हूँ, इनका नाम है, जैसे आज मैं मिला हूँ तो इनको मिला हूँ, इनका नाम है, ये खड़े होकर काम कराती हैं, इनके काम को देखकर उन्होंने इसको टिकट दी है। जनता वोट भी देगी? हाँ, देगी, क्यों नहीं देगी। क्या आपको लगता है सर, अब की बार दिल्ली में क्या होने जा रहा है, केजरीवाल, बीजेपी पार्टी, या फिर कांग्रेस बाजी मारे? केजरीवाल जी आएंगे जी। केजरीवाल ही क्यों आएंगे? उनके काम बोल रहे हैं जी। क्या काम बोल रहे हैं? अच्छे किए हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, अब महिलाओं के लिए बसों में फ्री, और बहुत काम किए हैं। स्कूलों को देखिए आप, सरकारी स्कूल ऐसा कोई कह नहीं सकता जो पहले थे। हॉस्पिटल में जाइए, अब सारे चेंज हो गए, सब बहुत अच्छा। केजरीवाल जी पर लगातार आरोप लग रहा है कि फ्री क्यों बांट रहे हैं? फ्री बांट रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं ये तो उनको मालूम है, लेकिन हमारे लिए, हाँ, रेवेन्यू है, लेकिन हमारे लिए, सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। मेरा ये सवाल था कि कुछ लोग इसमें खुश हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्री, वो मेरा सवाल नहीं है, फ्री क्यों बांट रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ तबका जो नाराज भी है, वो कह रहा है जी हम टैक्स भरते हैं और केजरीवाल जी उसको लोगों के बीच फ्री बांट रहे हैं, तो फ्री पे कुछ एक तबका खुश है, एक तबका नाराज भी है, आपको क्या लगता है? जी, कोई भी काम होएगा, कोई ना कोई खुश होएगा, कोई नाराज होएगा, वो तो होता ही है, लेकिन ये है कि हम लोग खुश हैं, जनता खुश है, और पूरी लहर उन्हीं की है। इस बार वही आएंगे, केजरीवाल जी ही आएंगे एक की बार से। इन्होंने केजरीवाल जी के लिए कहा कि केजरीवाल जी आएंगे, आपको क्या लगता है केजरीवाल जी आएंगे या फिर 100% आएंगे? केजरीवाल ही आएंगे, मैं केजरीवाल से पहले 5 साल से ही मिला हुआ हूँ। केजरीवाल जी आएंगे? आएंगे, 100% आएंगे। केजरीवाल जी पर लगातार आरोप ये भी लगाया कि पार्टी से लोगों को उन्होंने निकाल दिया। नहीं, आरोप लगाने से क्या है, जिस आदमी ने काम किया है
तो उनको ले लिया है, जिनको काम नहीं, थोड़ा सा मार्केट से सर्वे हुआ। मैं टिकट कटने की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जिस जो लोग केजरीवाल जी के साथ उस वक्त खड़े हुए थे जब ये पार्टी शुरुआती कर रही थी, 49 दिन की सरकार बनी, ठीक है, तमाम ऐसे लोग हैं, मैं नाम अभी गिनवाना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे लोगों को केजरीवाल जी, वो लोग आज आरोप लगाते हैं केजरीवाल जी ऐसी राजनीति करते हैं कि वो कहते हैं कि आई एम द बॉस, मतलब मैं ही एक वो हूँ, आपको क्या ऐसा लगता है क्या? नहीं, बॉस तो देखो केजरीवाल अपनी जगह सही है, जो बात कही जा रहे हो केजरीवाल अपनी जगह सही है, जो उन्होंने करना है वो अपने उससे करना है माइंड से जी, नहीं समझा, जैसे एक वो होती है ना केजरीवाल का नाम है जी, मतलब पूरी दिल्ली में फेमस है कि सारे काम अच्छे कर रहा है, सारे काम अच्छे कर रहा है, बढ़िया तरीके से कर रहा है, लोगों को खुश है लोग काम से। यहाँ के विधायक जी ने काम किया क्या 5 साल? कुल मिला के देखो जी, अगर विधायक जी का काम अच्छा है, ये नहीं है कि हम ये नहीं कहते कि बहुत बुरा है, अच्छा काम किया उन्होंने भी, 5 साल अच्छे भी थे उनको भी। तो फिर टिकट क्यों काट दी पार्टी ने? टिकट का तो अपना माहौल है, टिकट की तो कोई वो नहीं है जो किसी की, केजरीवाल के ऊपर निर्भर है। मैं तमाम कुछ लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि मेरे को कि कांग्रेस में थी वो, और कांग्रेस छोड़कर एक रात पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और अगले ही दिन आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, क्या ऐसी राजनीति भी हो रही है क्या? टिकट तो ठीक दिया उन्होंने। आपको लगता है उनको ठीक टिकट दिया? काम करेंगी, वोट डलेगा 6%। आपको क्या लगता है सर, अब की बार दिल्ली में क्या लग रहा है केजरीवाल? भाजपा सरकार बनेगी, आपके सामने आप हरिनगर विधानसभा में घूम रहे हैं, एक बार सड़कें देखें, सड़कों का हाल देखें, पार्कों का हाल देखें, स्ट्रीट लाइटों का हाल देखें, अभी 2 दिन पहले ही कुछ स्ट्रीट लाइटें ठीक हुई हैं, बाकी हरिनगर विधानसभा और इधर से आ जाओ जी, हरिनगर विधानसभा और रजौरी गार्डन विधानसभा की स्ट्रीट लाइट देखें, आपको पता लग जाएगा कि क्या काम हो रहा है जी जी। और जैसे कि आपने अभी बोला, एक आपका एक क्वेश्चन था दूसरे भाई साहब से कि केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं ही बॉस हूँ, आपके सामने ये बताना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि मैं ही बॉस हूँ, उन्होंने किसी को छोड़ा ही नहीं अपनी पार्टी में। उन पे मैं ये बात नहीं कर रहा, केजरीवाल लग रहे हैं, उन्होंने ये बात छोड़ी नहीं ना, क्योंकि योगेंद्र यादव उनकी पार्टी से, प्रशांत मनोज जी को भगा दिया, मोस्टली जितने भी सीनियर लीडर थे सबको हटा दिया, सिर्फ अकेले वही हैं, वो कहते हैं सीएम मैं ही हूँ और कोई बन ही नहीं सकता, सीएम भी बनेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे, आपके सामने हैं, उन्होंने क्या काम किया? मैं आपके सामने एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप 2012 का बिजली का बिल निकाले जब केजरीवाल जी बोलते थे कि दूसरी पार्टी के कोई सीएम है वो चोर है, इन्होंने कोई बोलना चाहता इनके साथ आ जाओ डिबेट में, इन्होंने बोला कि वो चोर है, उन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया बेताशा ये वो। मैं आपको 3 चीज़ें उसकी मुख्य बताना चाहूँगा, जो फिक्स चार्ज था मीटर का वो क्या था, और जो आज का टैरिफ है वो क्या है, और जो यूनिट रेट है वो क्या है, और उसके बाद जो पहले सिर्फ 5% इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगता था उसके अंदर आज देखिए 5 तरह के अलग अलग टैक्स हैं जो कि बिजली वालों को भी नहीं बताओ किस चीज़ के हैं, हमारा ही पैसा, पहले उन्होंने 1,000 रुपये महीना हमसे फ्री लिया, अच्छा जी, एक्स्ट्रा लिया, उसके बाद 3 महीने के लिए हमारे को 1,000 रुपये फ्री दिया, तो उसके अंदर उन्होंने हमें क्या दिया, हमसे 57,000 रुपये 5 साल में एक्स्ट्रा ले लिए, और जनता को खुद पागल बनाया कि ये मैं फ्री दे रहा हूँ 3 महीने के लिए फ्री। पानी की हालत देखिए आप, चलिए मोहल्ले के अंदर लेडीज से पूछिए पानी की कितनी।